वेलकम टू सांवरिया क्राफ्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। राधे राधे, सांवरिया क्राफ्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में ये दिवाली स्पेशल गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाई थी और आज हम इसके साथ का ये देखिए मैचिंग पटका है गोपाल जी के लिए और ये प्यारा सा सुंदर सा मुकुट है। तो ये देखिए, बनाना भी इसको बहुत ही आसान है और आप आसानी से इसे बना लेंगे। और ये देखिए, बहुत प्यारा लग रहा है, बिल्कुल ड्रेस के एकदम मैचिंग है ये। तो फ्रेंड्स, आइए अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस है और मैंने इसके साथ का ये मैचिंग पटका बनाया है। एक साइड मैंने बनाई है, कम्प्लीट की है और अब हम दूसरी साइड बनाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, ऐसे ये चेन बनाई है और ये मैंने चार डबल क्रोशिया की रो बनाई है, आठ, क्योंकि ये बड़ी ड्रेस है। लेकिन अगर आपकी छोटी ड्रेस है तो आपको ये ड्रेस ऐसे रखिए और जितना ड्रेस के यहाँ तक कंधे तक आता है ये हिस्सा आपको प्लेन बनाना है, बिल्कुल सिंपल। छोटी ड्रेस है तो आप तीन डबल क्रोशिया भी यहाँ कर सकते हैं। मैंने चार डबल क्रोशिया लिए बड़ी ड्रेस के लिए। तो ये देखिए, इसकी मैंने आठ रो बनाने के बाद फिर मैंने ये डिज़ाइन स्टार्ट किया जो हमने घेरे में बनाया है। तो अब हम उसे मैं यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने स्टार्ट करके बताती हूँ मैंने इसको कैसे बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट हमें यहाँ से करना है और ये रो आपको अपनी ड्रेस की जो गोपाल जी का साइज़ है उसके हिसाब से बनाना है। फिर उसके बाद यहाँ से ये लेंथ भी आपको उतनी ही बनानी है जितने आपके गोपाल जी के साइज़ है या जिस स्टाइल से आप पहनाना चाहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ तक ही आठ रो मैंने कंप्लीट की। उसके बाद अब ये सारा कंप्लीट हो गया, अब मैं दूसरी साइड आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था इस यहीं से हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम सेम कलर जिससे हमने ये पटका बनाया है वो हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, हमारा ये कनेक्ट हो गया और यहीं पर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तीन चेन का हमारा एक डबल क्रोशिया और यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट चेन स्टिच है उसके अंदर हम फिर से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर भी हम दूसरा डबल क्रोशिया। ये दो डबल क्रोशिया हो गए, यहाँ पर 1 2 हम चेन बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट चेन स्टिच में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और जो नेक्स्ट हमारी लास्ट वाली है चेन स्टिच उसमें भी हम एक डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, हमारा वर्क देखने में ऐसा है और यहीं से हम 1 2 3 थ्री चेन बनाएंगे और उसके बाद अपने वर्क को ऐसे हम टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद फ्रेंड्स इसके अंदर अब हम यहाँ पर ये देखिए, ये हमने दो एक डबल क्रोशिया बनाया, ये दूसरा डबल क्रोशिया और यहाँ पर फिर से हम 1 2 डबल क्रोशिया, वो टू चेन्स और सेम इसी के अंदर हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, और अब हम ये जो लास्ट वाला है यहाँ पर इसको हम ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। लेकिन ये देखिए, उससे पहले हम यहाँ पर ये एक चेन बना देंगे और इसके बाद ये फ्रंट पोस्ट। और इसी तरीके से फ्रेंड्स हम 1 2 3 चेन्स बनाएंगे और यहाँ पर अब ये दो दो के ऊपर हमारे दो हो गए। फिर हम ऐसे ही इसको जैसे हमने ड्रेस के घेरे में बनाया डिज़ाइन, उसी तरीके से हम इसको पूरा आगे बढ़ाते जाएंगे और मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने स्टार्टिंग की थी, दो के ऊपर दो बनाए, तीन के ऊपर तीन बनाए डबल क्रोशिया, फिर चार के ऊपर हमने ये चार डबल क्रोशिया। और ये देखिए, अब हम यहाँ पर एक चेन बनाकर ये वाला जो हमारा पोर्शन है इसके अंदर से हम यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और अपने वर्क को हम यहीं पर कट कर देंगे। क्योंकि जैसा हमने यहाँ बनाया है ये देखिए, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी बनाएंगे। अब मैं ये ग्रीन कलर स्टार्ट करके आपको यहाँ से ये इसको कट कर दूंगी। और अब हम यहाँ से ग्रीन कलर स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ से हमारा राइट साइड है तो हम इसको यहीं से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं ग्रीन कलर स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन आप अगर छोटा पटका बना रहे हैं तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको ड्रेस में बताया है छोटे और बड़े साइज़ की ड्रेस में इस डिज़ाइन को बनाना। अगर यहाँ पर आपके तीन हैं तो आप यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग बनाएंगे वो दो बनाएंगे, अगर चार है तो यहाँ पर तीन बनाएंगे। तो ये मैं ग्रीन कलर यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ।
तो ये देखिए इसकी लास्ट वाली चेन स्टिच में हम क्रोशिया उड़ा लेंगे और यहाँ पर ग्रीन कलर कनेक्ट कर देंगे। ये हमने कनेक्ट किया और यहाँ से हम 1, 2, 3, 4 चेन बनाएंगे टोटल, क्योंकि 3 का एक डबल क्रोशिया ऊपर एक चेन, और उसके बाद यहाँ हमारे 4 हैं तो यहाँ हम 3 ही बनाएंगे और बीच में 3 मैं चेन स्टिच बनाऊंगी। तो ये देखिए अगर आप छोटी ड्रेस बना रहे हैं तो अगर आप के यहाँ पर 3 हैं तो आप 2 बनाएंगे, 2 हैं तो आप 1 बनाएंगे, मतलब कि छोटी से छोटी ड्रेस में आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे, 2, 3, 3 के बाद यहाँ पर 1, 2, 3 चेन्स, और 3 चेन के बाद फिर से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चेन, और यहाँ पर ये जो इसके अंदर ऐसे हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे और यहीं से अपना वर्क कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ ड्रेस में बनाया है ये, और ये भी सेम इसी तरीके से ये ग्रीन की हमारी रो कंप्लीट हो गई है, और जैसे हमने ड्रेस में बनाया 12 डबल क्रोशिया बना के फिर हमने ये डिज़ाइन बनाया, सेम मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स जैसे हमने इसको बनाया था ऐसे हमने इसको भी बना लिया और अब हम इसको डेकोरेट कर देंगे, लेकिन डेकोरेट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कैप बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये अभी हमारी अधूरी कैप है, ये मैंने एक सिंपल कैप बनाई हुई है, सिंपल कैप का जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगी, जिसमें मैंने आपको ऑल साइज़ में नाप लेने का तरीका भी बताया कि आप किसी भी साइज़ में गोपाल जी के लिए ये कैप है कैसे बना सकते हैं और कैसे इसको सिल सकते हैं। तो इसको मैंने स्टिच कर दिया, और ये जो मैंने पग बनाई है फ्रेंड्स ये पीछे, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाए हैं, ये फ्रंट पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट बनाया, एक बैक पोस्ट बनाया, और टोटल मैंने ये 30 बनाए हैं। 30 मैंने सी ग्रीन से बनाए, और उसके बाद मैंने 4 रो ये सी ग्रीन की कंप्लीट की, उसके बाद मैंने ग्रीन, फिर ऑरेंज, और एक रो मैंने ये मजेंटा से बनाई। तो इस तरीके से ये टोटल हमारी 7 रो कंप्लीट हुई, एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक फ्रंट पोस्ट, ये बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट, इसी तरीके से। और बाद में मैंने जब ये एक रेक्टेंगल बन गया तो नीचे मैंने इसको स्टिच करके पूरा ऐसे लाइन से ऐसे स्टिच करके इसको टाइट कर दिया, तो एक साइड से ये यहाँ से हमारी बिल्कुल ये देखिए टाइट हो गया यहाँ पर, तो ये हमारा पोर्शन कुछ इस टाइप का हो गया। और ये इसको मैंने कैप को इस तरीके से कैप के पीछे इसको स्टिच कर दिया है, जहाँ पर हमारी जॉइंट के बाद ये स्टिचिंग आती है ऐसे, वहीं पर मैंने इसको स्टिच कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ से आप, और अब मैं यहाँ फ्रंट का जो पग हम लगाएंगे इसको वो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इसके लिए हम मैजिक रिंग बनाएंगे, और मैजिक रिंग के अंदर हम यहाँ इसे क्रोशिया डालकर यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे ये, और उसके बाद यहाँ पर 1, 2, 3 हम चेन बनाएंगे और इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, टोटल 6। तो एक तो हमारा 3 चेन का हो गया, दूसरा हमने ये बनाया, और ये तीसरा हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरीके से इसके अंदर हम 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैजिक रिंग के अंदर हमने 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए, और ये देखिए 3 चेन का हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, उसकी तीसरी चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और ग्रीन कलर यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। ये हमने कनेक्ट किया यहाँ पर ग्रीन कलर, और यहीं पर 1, 2, 3 चेन बनाएंगे, ये एक डबल क्रोशिया हो गया, सेम चेन स्टिच में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर दूसरा डबल क्रोशिया, और फिर से नेक्स्ट जो हमारी चेन स्टिच है उसके अंदर फिर से हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इस तरीके से हम एवरी चेन स्टिच के अंदर 2-2 टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट किए, इसको यहाँ कट कर दिया। अब हम ग्रीन कलर लगा रहे हैं, क्योंकि ड्रेस में जैसे हमने यहाँ पर तो ये ऑरेंज से बनाए हैं 12, लेकिन यहाँ हमारे ग्रीन से हैं, उसके बाद हमने ये मेजेंटा कलर लगाया, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन यहाँ कैप के लिए मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, तो ग्रीन के बाद हम ऑरेंज कलर से अपना वर्क करेंगे। तो ये देखिए जो तीसरी चेन स्टिच है यहाँ हम क्रोशिया डालेंगे,
और यहाँ पर हम इसे कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, जैसे हमने ड्रेस में बनाया है यहाँ पर डिज़ाइन, उसी तरीके से मैं यहाँ पर पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया और ये मैंने यहाँ से कट कर दिया। तो ये देखिए, ये जो मैंने बनाया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर ये ऐसे सेंटर में इसको लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको ऐसे करके इस साइड में ऐसे करके पीछे यहाँ भी इसको स्टिच कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास लटकन है, ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मैंने लटकन बनाई हुई है। मैं यहाँ लटकन से डेकोरेट करके इसको पूरा स्टोन वगैरह लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो पग बनाई थी, मैंने इसको यहाँ पर स्टिच कर दिया है इधर, और यहाँ फ्रंट में मैंने ये कुछ स्टोन्स हैं ये पेस्ट कर दिए, और ये मैंने ये लटकन लगाई। तो देखिए, लटकन लगाने के बाद ये मुकुट कितना प्यारा लग रहा है, बड़ा ही सुंदर। और इसको बनाना भी फ्रेंड्स बहुत आसान है, आप लोगों ने सीख ही लिया होगा। ये देखिए, गोपाल जी भी पहनकर बहुत सुंदर लगेंगे इसको, ये देखिए। और जब हम पूरी ड्रेस पहनाएंगे इसके साथ, तो ये पूरी ड्रेस बहुत सुंदर लगेगी, और लग रहा है सच में ये दिवाली स्पेशल ड्रेस ही है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरा काम करने का तरीका, वीडियो बनाने का तरीका और गोपाल जी को रिझाने का तरीका ज़रूर पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।